तो गाइस कैसे आप सब। और अभी मैं पेंटिंग करूँगा, आज मैं पेंटिंग ट्राई कर रहा हूँ। और चेंज ये है कि मैं नॉर्मल ब्रश से नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टूथ ब्रश से ट्राई करूँगा अभी। तो गाइज ये है कलर की डब्बी है जिसमें कि पूरे 10 कलर हैं। और ये पिडलाइट की है, पिडलाइट कंपनी की। तो गाइज ये पिडलाइट कंपनी के कलर हैं और ये एक्राइलिक कलर है। तो इसमें भी ट्राई करूँगा, इस धागों से इसकी पेंटिंग आपको दिखाऊँगा बाद में इसके साथ ही। और ये ड्राइंग फाइल है, ये मैंने पहले की ड्राइंग बना रखी है, ये मेरी खुद की ड्राइंग है जब मैं 7th में था। और एक येलो पेजेस आपको दिख रहे होंगे काफ़ी, क्योंकि बहुत पुरानी ड्राइंग फाइल है। और इस पे मैं बनाऊंगा, तो मैं इस कलर से ट्राई करूंगा आज, इस पे बनाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस ये जो कलर है ना, ये नए के नए रखे हुए हैं लेकिन काफ़ी पुराने हैं, तो कम से कम 3-4 साल पुराने हैं। और ये मैं अपने लिए लेके आया था पेंटिंग के लिए, लेकिन बाद में मैंने करी नहीं। और ये देखिए जमा हुआ है पूरे कलर, ये ठंड गर्मी मतलब जो भी मतलब मौसम आए तो ये जम गए कलर। और अभी ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि जमा हुआ ही है। इसमें थोड़ा पानी मिक्स करेगा क्योंकि बचपन में हम ड्राइंग करते थे तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेते थे। और अभी देखिए ब्रश पे ही मैंने लगा के देखा तो ये बिल्कुल जम रहा है, बिल्कुल ऐसा गीला सा पेस्ट है जैसे कि। तो पानी थोड़ा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा पेंट करने लायक हो जाएगा। तो गाइज नॉर्मल ब्रश से तो बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है, उससे शेप और कोई जानवर या कोई चीज़ बनानी हो तो वो तो आसानी से बन जाती है। गाइस कलर जो है काफ़ी जम गया है क्योंकि तो इसको यूज़ नहीं करा है, तो अभी मैं इसको हाथ से मिक्स कर रहा हूँ। तो येलो का गाइस काम अब हो गया है, येलो इतना ही करूँगा। और इसके बाद अब दूसरा कलर ट्राई करता हूँ, अब ट्राई करूँगा पिंक। बड़ा साफ हो गया, थोड़ा कपड़े से भी कर लेते हैं। अब मैं पिंक इसमें डाल रहा हूँ, पिंक के साथ भी वही हो रहा है, पिंक के साथ थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसके अंदर। और ये अब मैं ब्रश इसके अंदर करने वाला हूँ, इसके देखते हैं क्या क्या इसके क्या प्रभाव होता है इससे। इसमें ये वाला ट्राई कर रहा हूँ, ये वाला ग्रीन हल्का सा पानी डाल के ला रहा हूँ इसमें, पानी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इसमें। कितना कलर है इसका पूरा, ये थोड़ा लिक्विड सा हो रहा है, देखता हूँ ट्राई करता हूँ, ऐसे ही हो जाएगा शायद। पानी था, ये लिक्विड है पहले से ही, चमक आ रही होगी आपको। तो अब मैं ट्राई करूंगा, तो अब मैं गाइस ऑरेंज ट्राई कर रहा हूँ, ऑरेंज भी लिक्विड फॉर्म में ही है तो ऑरेंज ट्राई करते हैं। का शेड है जिसमें से येलो कलर बिल्कुल सही आया है, ग्रीन कलर भी ठीक ठाक आया, ज़्यादा सही नहीं आया। और पिंक कलर तो सबसे ख़राब आया यहाँ पे, फीका फीका सा है जबकि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है। और ये गलती से पानी गिर गया है मेरे ब्रश का। और उसके बाद ब्लू कलर भी ब्लू कलर तो ये ऑरेंज कलर भी काफ़ी अच्छा है और ब्लू कलर भी काफ़ी अच्छा है, यानी तीन कलर अच्छे हैं, येलो कलर, ब्लू कलर और ऑरेंज कलर। सबसे ख़राब आया है पिंक कलर और ग्रीन आया है बिल्कुल मीडियम, ज़्यादा सही ना ज़्यादा ख़राब। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये वाली पेंटिंग जो है ये धागे के साथ होती है। इसका एक सिरा मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया और अब मैं इसका ढक्कन बंद करके
थोड़ा सा इसको हिला लूँगा ताकि पूरे धागे पे लग जाए। तो गाइज ये धागे वाली पेंटिंग बचपन में करी थी, जिसमें कि धागे का जो है कलर में डुबोते हैं, और कलर में मैंने ये जो ऑरेंज कलर है ना ये ढंग से गया नहीं है धागा, और ये उलझ गया था जिससे कि पेंटिंग थोड़ी सही नहीं आई है। उसमें क्या होता है कि आपको कलर में डुबोनी पड़ती है, या आप ढक्कन में भी डाल सकते हैं कलर मिक्स करके पानी के साथ, और उसके बाद आपको पेज जैसे मैं दबा रहा हूँ अभी, उसके बाद आपको धागा धीरे धीरे खींचना पड़ता है। इस तरीके की आकृति बनती है, वो बड़ी सही लगती है देखने में। ये धागा जो है ना ये उलझ गया था यहाँ से, जिससे कि अच्छी पेंटिंग नहीं आई है। मैं दूसरा ट्राई करता हूँ अभी, ये भी ठीक ठाक है, मैं दूसरा ट्राई करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये धागा है ना फिर से उलझ गया और मिक्स नहीं हुआ पूरा कलर के साथ, क्योंकि जो उसकी धागे की लेयर्स होती है ना वो ऊपर और नीचे तक तो कलर लग गया लेकिन बीच वाले धागों में नहीं लगा है, जिससे कि कलर की पेंटिंग फिर वैसी बनेगी। तो मुझे पहले इसको सुलझाना पड़ेगा, सुलझा के फिर इसको ये देखो ऐसे खींच के थोड़ा सुलझाने के बाद अब जाके पेंटिंग सही बनेगी। तो गाइस ये देखिए धागा पूरा सुलझा हुआ है, और मैं चाहता हूँ धागा पूरी हर जगह थोड़ी जगह इकट्ठा ना हो, थोड़ा फैल फैल के बढ़िया, तब जाके बनेगी अच्छी ड्राइंग। ये देखिए ऐसे मैंने फूल बनाया उस पर धागे से, अब मैं इसको धीरे धीरे खींचूंगा, एकदम से खींचूंगा तो अच्छी नहीं आएगी, और थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके अच्छी फोटो बनेगी, आकृति जो भी है फूल जो फ्लावर हम कहते हैं जिसको वो बनेगा। तो गाइस ये वाली पेंटिंग जो है ये ब्लू से करी है मैंने भी, और ये ठीक आई है काफ़ी। ये होती है इस परफेक्ट पेंटिंग, मतलब इस जो धागे से करते हैं ना उसकी ऐसी आकृति बनती है। ये यहाँ पे थोड़ा डार्क डार्क बनता है, और यहाँ पे थोड़ा हल्का सा ऐसे झिल्लीदार, जैसे कि प्याज में होती झिल्ली, ऐसे बनती है यहाँ पे। एक ये बन गई, एक वो बन गई, एक वो बन गई, तीन झिल्लियाँ बन गई, मतलब 1, 2 और 3, ये होती है पूरी पेंटिंग। तो गाइस जैसे कि आपने देखा पेंटिंग कैसे बनी है, मैंने अब मेरे को आती नहीं है पेंटिंग बिल्कुल भी, लेकिन मैंने ऐसी ट्राई करी है थोड़ी सी, और आगे मैं थोड़ी सीखूंगा इसको, खुद से ही सीखूंगा और देखूंगा कैसे बनती है अपने हाथों से। यहाँ पे एक कलर मैंने दिखाया है ऐसे, पहले तो मैं सोच रहा था कुछ बना लूँ इस पर, लेकिन फिर मेरे को कुछ आइडिया नहीं आया तो मैंने ऐसे कर दिया, क्योंकि कलर जो है ना उसका जो एक ब्रश होता है जिससे कि ये मिक्स बड़े अच्छे तरीके से होते हैं, ये जो टूथब्रश का आइडिया था मेरे को एकदम से आया, तो मैंने अभी अप्लाई कर दिया इसको। और वैसे अगर मैं दूसरा ब्रश करूँगा ना पेंटिंग से, तो वैसे अगर मैं दूसरा ब्रश करूँगा पेंटिंग से तब जाके मैं इसको मिक्स करके कुछ आकृति बना पाऊँगा, जैसे कि सर्कल या फिर कोई झोपड़ी या फिर पहाड़, तो अच्छा भी लगेगा। तो टूथब्रश से मैंने ये ट्राई करा है अभी, और ये पेंटिंग जो मेरे को दिखाई है ये ऑरेंज वाली, इसके साथ में ही है, ये फट भी गया, चिपक गया। ऑरेंज कलर जो है ना वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, वो पानी के साथ जो है ना पूरा जम रहा है ठंड में, ठंड की वजह से। बहुत पुराना ये जो कलर का डब्बा है बहुत पुराना रखा हुआ है, लेकिन नया का नया रखा हुआ है, इसको कभी यूज़ नहीं करा है। ब्लू का दुखा मैं अभी ऐसे हटा के चिपकाऊंगा तो ये नहीं चिपकेगा, लेकिन अभी उस पर एक पेज का ही बोझ रखा था, ये ऑरेंज वाले कलर पे बस एक पेज का ही बोझ रखा है और ये चिपक गया, तो इससे मतलब ये है कि पूरा मिक्स नहीं हुआ है। तो गाइस वीडियो का एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।